अगर आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि मे बी आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा मदद कर दे। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही अमेजिंग बाइक्स के बारे में, एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी के तरफ से जो कि जल्दी हमारे मार्केट में आने वाली है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसको वर्णा मतलब जो भी इसका प्रोनंसिएशन है उसके बारे में, उनके दो बाइक्स के बारे में, क्या पैकेज है, क्या कुछ है और ये बाइक जो है कब तक हमारे मार्केट में आ जाएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फटाक से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई इंट्रो नहीं, कोई बी रोल नहीं, कुछ नहीं, सीधे जो है पॉइंट पे आते हैं। देखो, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि बजाज का जो है KTM के साथ एक कोलैबोरेशन है, एक पार्टनरशिप है, और इसी वजह से बजाज जो है KTM के बाइक को इंडिया में सेल करती है। KTM ने जो है 2013 में उस वर्णा मोटरसाइकिल्स को जो है एक्वायर किया था, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया और उनका पार्टनरशिप है बजाज के साथ। तो भैया ये बाइक जो है अब हमारे कंट्री में आने वाला है। तो थोड़ा सा मैं बाइक्स के बारे में बताऊं, उससे पहले जरा आप जान लो कि आखिर ये उस वर्णा जो है ये क्या है, मतलब कंपनी कैसी है, कब की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, सारी चीज़ें थोड़ा उसके बारे में पहले जान लो। तो देखो, बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक स्वीडिश बाइक मेकर है और इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है, मतलब मैं कह सकता हूँ एक फैक्ट है इसके बारे में, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विदाउट इंटरप्शन इन इट्स प्रोडक्शन। मतलब जब से ये कंपनी बनी है तब से लेके आज तक जो है ये बाइक्स बना रही हैं, इनके प्रोडक्शन में जो है कभी कोई इंटरप्शन नहीं आया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो बाइक कंपनी है वो स्वीडन की है। वैसे स्वीडन की बहुत सारी कार कंपनीज भी आती हैं। आपको कौन सी स्वीडिश कार कंपनी के बारे में मालूम है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बहुत ही पॉपुलर नेम है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं एक हिंट भी मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखो, हिंट देखो कौन सा है, नीचे जो है कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम जरूर बताना। देखते हैं आपको कितने कंपनीज के बारे में मालूम है और क्या आप उस हिंट से उस कंपनी का पता लगा सकते हो। ये जो कंपनी है दोस्तों दो नए बाइक्स को इंडिया में लाने वाली है और इनका जो शोकेस है वो होने वाला है इंडिया बाइक वीक 2019 में, और जो ऑफिशियल सेल्स है मतलब जो लॉन्च होगा वो जनवरी 2020 में हो जाएगा। फरवरी से जो है इस बाइक्स की KTM डीलरशिप्स या बजाज KTM के जो डीलरशिप्स हैं वहां पे जो है आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी, और अगर आप बुक करते हो, खरीदते हो तो वहां से आप डिलीवरी ले सकते हो अगले साल फरवरी से। तो यहाँ पे जो उनके दो बाइक्स हैं, सबसे पहला है Whippillin 401 और दूसरा है Swartpillin 401। अब इसका देखो यार प्रोनाउंसिएशन मत पूछना, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सा प्रोनाउंसिएशन है। तो Whippillin 401 जो है वो एक कैफे रेसर है और Swartpillin 401 जो है वो एक स्क्रैम्बलर है। अब ये दोनों ही बाइक्स जो हैं KTM Duke 390 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और अगर आप इनके डिजाइन की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट जितने भी बाइक्स अभी मार्केट में उनसे बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है, लेकिन बिल्ड टू पर्पस वाली मोटरसाइकिल से, और इनका जो लुक है बहुत ही अच्छा मेरे को मेरे पर्सनल ओपिनियन में लगता है। आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको इनके लुक्स जो है वो कैसे लगते हैं नीचे जरूर बताना। तो Whippillin और Swartpillin दोनों ही जो है दोस्तों KTM Duke 390 के प्लेटफॉर्म पे यूज किया गया है, यानी वही सेम 20 फ्रेम जो है यहाँ पे यूज किया गया है, बट थोड़े से डिफरेंसेस जो है यहाँ पे इनके राइडिंग डायनामिक्स और ओवरऑल अपील में जो है किया गया है। साथ में अगर हम इंजन की यहाँ पे बात करते हैं तो इंजन भी वही सेम ड्यूक 390 का ही यूज किया गया है, वही 44 BHP और 37 Nm का पावर फिगर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्लच, USD फोक्स, रेयर मोनो सस्पेंशन, ये सारी चीजें जो है आपको सेम टू सेम ड्यूक वाली ही मिलती है, लेकिन जो ओवरऑल अपील है बाइक का वो काफी डिफरेंट है, एक बहुत ही पुराने बाइक मेकर की तरफ से आ रहा है और साथ में ही प्रोवन इंजन के साथ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप इसके ओवरऑल पैकेज को देखो तो ये पैकेज जो है एक बहुत ही अमेजिंग सा पैकेज बन के यहाँ पे आ रहा है। अब प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो देखो बहुत ही अर्ली स्टेज है, यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी अगर कहा जाए तो ये बाइक की प्राइसिंग जो थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में जाएगी, ऑलमोस्ट ड्यूक से थोड़ी सी जो है महंगी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो कैटेगरी है आप समझ सकते हो कि उसी कैटेगरी में जो है इसकी प्राइसिंग की जाएगी। अब क्योंकि ड्यूक के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बजाज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में, सेल्स भी बजाज के द्वारा किया जाएगा, तो ऑल इन ऑल आपको जो है कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी सर्विस या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के हमारे मार्केट में आने वाला है। यही था आज के इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाने की यहाँ पे कोशिश की।
सारी मेजर चीजें जो है आपको मैंने इन दोनों बाइक्स के बारे में बता दी, लेकिन जो एक्चुअल डिटेल वीडियोस हैं वो तब आएंगी जब ये बाइक ऑफिशियली हमारा मार्केट में अनवील कर दी जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना, और ये भी बताना कि जो स्वीडिश कार मेकर है जिसका हिंट कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में देखने को मिला, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, You protect your gears and helmet when you ride. Till then, take care, goodbye, and always follow traffic rules.